Priya. I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun. Hi, hamara ab tak nahi dekhke bhi hamara favorite. हम सीरीज पे आ गए हैं ओएसटी पे. ओ सॉरी ओएसटी सॉरी 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 हम खुदा और मोहब्बत सीरीज पे आ चुके हैं एंड उसके ट्रेलर पे. हम देखो आप लोग देख रहे हो तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी ट्रेलर लास्ट स्टेप है, उसके बाद हम डायरेक्टली रिव्यू पे आएंगे. अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं. अप्रैल खत्म और हमारा खुदा और मोहब्बत चालू. यस, इसका पहली बार होने वाला है और ये पहली बार फिरोज खान का मैजिक देखेगा. तो अच्छी एक्टिंग, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग. लाइक उन लोग की एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, ओ माय गॉड, उनके लोकेशंस देखना एंड एवरीथिंग. ठीक है, एक सेकंड, वो लोग के लोकेशन के ना सेट नहीं होते, वो लोग के एक्चुअल लोकेशंस होते हैं. यस, ठीक है, एंड उनके लाइंस बहुत मस्त होता है. ठीक है, ऐसा लग रहा है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा. मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं. दिलों की जरूरत किसे है फरहाद? हजारों धड़कते हैं आसपास, फ्रेंड्स टके से दिखते हैं ये जज्बात. वो जो कुछ था वो सिर्फ एक ख्वाब था, ख्वाब भी वो जो सिर्फ मैंने देखा था. ऐसा ही लगता है हर लड़की को कि अभी तो उसने अपने आंगन में दो ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले यहां पहुंचे. जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कता है? ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? पागल मत बनो, मुझ पर नहीं रहम खा रहे हो तो खुद पर तो खाओ. जैसे तुम चार दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है. दीवानों सी बात ना करे तो और करे दीवाना क्या. मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से दो चार क्या करते. वो कहता है उसे मुझसे मोहब्बत है तो मोहब्बत में मान भी तो रखा जाता है. जब तक फीदी नहीं आता ना मैं इसी तरह तड़पती रहूंगी. जुदाई तो दोस्त लगने लगी है, हर वक्त ही साथ रहती है. ना माफ करूंगी ना इस करूंगी, बहुत समझाऊंगी. अजय खुशबू, माँ अपनी बच्ची की जिंदगी मांग रही है आपसे. या जी मेरा दिल भर रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा था, मैं क्या करूँ? अगर मेरे दिल की आवाज इतनी बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए. ये इतना दर्दनाक होने वाला है. एग्जैक्टली, हम भी अभी तक मुझे आइडिया नहीं था ये ऐसे जाने वाला है. आई थॉट इट इज गोइंग टू बी अ टू साइडेड लव स्टोरी, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है काफी हद तक वन साइडेड भी होगा. मतलब जैसा वन साइडेड ही होगा मेजरली, टू साइडेड आई गेस. वो लड़की कोई स्टेप नहीं ले पा रही है, मतलब लड़की के स्टार्टिंग से उसका एक्सपेक्टेशन ही फ्रेंडशिप उसने जैसे दिखाया है और वो जैसे बोल रही है तो बहुत, मतलब आई थिंक बहुत दर्दनाक था पूरा एपिसोड. बहुत ट्रेलर कैसा लगा? बहुत ही मस्त, इसको ज्यादा समझा नहीं होगा. हाँ, क्योंकि हमने इतना टाइम देखा है, हमने टीजर्स देखे हैं, फाइव टीजर्स, फिर भी काफी हद तक समझ गया. यस, क्योंकि एक्चुअली हमें भी काफी ज्यादा समझ गया ये देख के. मेरे को इसलिए ट्रेलर्स देखना नहीं पसंद, उसमें बहुत सारा समझ आ जाता है यार. इसमें इतना क्लियर दिखा दिया कि वो लड़का बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुका है.
उनके बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, मजा आएगा, बहुत अमेजिंग एक्टिंग होने वाली, बहुत अमेजिंग फील, वेरी एक्साइटेड यार। इनफैक्ट इसमें भी जो बीच बीच में लाइंस आए हैं फिरोज खान ने, जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्यारी लाइंस है यार, वो बीच में ना ट्रेलर्स इसके टीजर्स देख मुझे ऐसे लाइंस मतलब ऐसे थे लिटरली ऐसे आंख में पानी पानी हो रहा था, बहुत ही मस्त लाइंस है यार बीच में। टीजर्स देखेगा ना मतलब ट्रस्ट मी वो टीजर्स की लाइंस, और हमें थैंकफुली काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि किसने लिखी है वो, मतलब बहुत फेमस लाइंस है। थैंक यू। सो इसका जो ओएसटी है वो भी राहत ने गाया है, और ये पांचों टीजर्स भी अमेजिंग है, और अब तूने ये भी देख लिया तो इमेजिन इट इज सो ब्यूटिफुल। मतलब कितने आई थिंक कितना टाइम हो गया हम खुद और मोहब्बत के स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, और अभी इट्स हाई टाइम कि हम जल्दी से अपने एपिसोड्स देखना स्टार्ट करें। और काफी लेकिन न्यू लोग भी कैरेक्टर्स स्पेशली वो और लोगों की स्टोरी भी दिखाई, एंड तब हम लोग मुंह पे क्वेश्चन मार्क आया, वरना ऐसा लगा हां हम लोग देख ले, तब हम लोग भी ऐसे थे हां ये कौन है, क्योंकि पांचों टीजर्स में उनका कहीं हमें वो दिखे नहीं। गॉड बहुत ही पेनफुल होने वाला है यार, बट एक्टिंग बहुत ही प्योर होने वाली है, वो मस्जिद में जाके रहते हैं, एक्टिंग तो होगी बहुत अमेजिंग होगी। और वो टीजर से मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, ये हीरोइन का नाम क्या है, नाम भूल गई, क्या मुझे भी याद नहीं, मैं इसी का तो वेट कर रहा था यार, क्या प्यारी दिखती है। अरे हाँ बाबू एक्टिंग, मतलब एक सीन था टीजर में जब उनका ये वाला पार्ट थी ना शिवर कर रहा था, यस ओह माय गॉड ऐसे वो रो रहे थे, मतलब जब टीजर देखो ये वाला पार्ट शिवर कर रहा होता इतना रियल लग रहा था, और मैंने ट्राई भी किया नहीं होता, नहीं होता, वापस ट्राई करके बता सकते हैं, किसी दिन रोते हुए खुद को देखूंगी ऐसा होता है की, क्योंकि इट इज सो नेचुरल, मुझे लगता है जब कोई बहुत ज्यादा अंदर से अंदर से बॉडी से वो चिल्स निकलते हैं पेन के कारण होता है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो तब ये हो रहा है, ओह माय गॉड यार इसने ट्राई भी किया, अब तो मेरे को देखना है यार, यार टीजर देखना बहुत इतनी नेचुरल एक्टिंग, आई थिंक ये ओएसटी सॉरी ये सीरीज का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट इज देयर एक्टिंग प्लस उनके डायलॉग्स, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज्यादा समहाउ सिर्फ इतने चीजें देखे हम लोग सुबह में, ऐसा लग रहा है कि फॉर श्योर इन लोग की जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री होगी इन लोग की, ये दोनों पेयर की एक्टिंग इज सो स्ट्रांग, मतलब यार इतना नेचुरल, तो सच्ची में इंसान को लगेगा कुछ हो गया है भाई, कुछ तो हो गया है आज, एंड वो उनका मेकअप भी ऑन पॉइंट था, जब पता है वो मस्जिद में खड़े थे उनके बाल बिखरे हुए थे, फर्स्ट टाइम हमने वो सीन देखा अपन ने, वो जब वहाँ टीजर्स में नहीं दिखा, वो हाथ जोड़ने वाले में वो पिंक में भी पहना था, हाँ कुछ तो पहना था, बाल बिखरे थे एंड उनकी आईज पूरी ब्लैक, एंड इट वॉज सो नेचुरल कि अगर कोई डिप्रेशन में होगा दैट इज हाउ दैट पर्सन विल लुक। आई एम टेलिंग यू फिरोज खान की एक्टिंग इज गोना विन एकदम ज्यादा फॉर श्योर, सच्ची में उनके डायलॉग्स उनकी एक्टिंग उनके सेट, आई थिंक हमने स्टार्टिंग के दो या तीन टीजर में हम सेट के बीच बढ़ते थे कितने सुंदर लग रहा है, मतलब आप लोगों ने टीजर्स नहीं देखा ना जाके देखो, इतने अमेजिंग टीजर्स है। द थिंग इज अगर हम ये सेम सिचुएशन से गो थ्रू किए हो या नहीं किए हो वो फील होने वाला है, क्योंकि वो एक्टिंग में डेप्थ है, एक्टिंग बहुत ही प्यारी बहुत ही नेचुरल है यार, मतलब आप अगर हार्ट ब्रेक से नहीं गए हो आपको इसी चाहिए, आप रो रो के पागल हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा आपके किसी अपने ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये इतनी यार इनकी एक्टिंग, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ टीजर्स में इनका छोटे छोटे जो क्लिप्स दिखा उसमें भी इतनी अच्छी एक्टिंग, हमको टीजर्स देखना है तुम लोग इतना बोल रहे हो, यस देखना हम दिखाएंगे ऑफ कैमरा। थिंग इज वन साइडेड लव स्टोरी इज ऑलरेडी इतनी इमोशनल लगती है, इतनी ज्यादा इमोशनल, एंड दिस लुक्स लाइक अ वन साइडेड लव स्टोरी, नॉट कम्प्लीटली आई कैन से, क्योंकि एंडिंग में वो लड़की भी बहुत रोती, आई थिंक मे बी स्टार्ट वन साइड से हुआ, वन साइडेड से हुआ, एंड उसकी शादी मेरे को ऐसा लग रहा है वन साइडेड हुआ स्टार्ट, एंड उसकी शादी होने के बाद फिर दोनों साइड से हो भी सकते, काफी चीजें हो सकती है, लेकिन जैसे उनको अपने घर में गुस्से में दिखाया था कि मेरा मन नहीं लग रहा है, एंड ऑल कितना हार्ट ब्रेकिंग था यार, वाओ I'm in love with this, so we are very excited. This is gonna be a nice drama. Nice. Yeah. It is too much of masala. Like yes, drama. और I'm a fan of masala, so तो मुझे बहुत पसंद है ये ऐसे बड़ा type चीज़ है. इसलिए very very excited. Yeah.
guys, thank you so much for all the love. Thank you for liking, sharing, subscribing and all the support. वापस मैं बोल रही हूँ 88% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यार, आप अभी करोगे? क्या है ये, क्या मतलब है यार, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है. गाइस ठीक है, कोई ना, आप कर दो, देर आए दुरुस्त आए. बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय.